नमस्कार, मैं रुपेश। आज हम आए हैं एक शख्सियत से मिलने के लिए जिनका नाम है रवि भूषण। लोग उनको रवि शाह के नाम से भी जानते हैं। ये बॉलीवुड में अपना काफी नाम कमा चुके हैं और अभी भी एक रिसेंटली उनकी एक मूवी रिलीज हुई है, रात अकेली। इन सब के बारे में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये ज्यादातर नेगेटिव रोल करते हैं और नेगेटिव रोल में मैं बोलूंगा विलेन का रोल इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। तुम्हारी सास भी अब तक यही लाने चल रही है। चुप हो जा। जो आदेश हो जाए ना, चुप हो जा, तो हर साल तुम आओ श्राद्ध मनाए। चुप हो जा। इन सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा इनका स्ट्रगल रहा, किस तरीके से इन्होंने काम किया है और अब तक में इनका जर्नी कैसा रहा है। सारी बातें करेंगे। आज इनके निवास पे हम आए हैं और उनसे बात करेंगे। नमस्कार। 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 तो आज हमारे साथ में रवि जी हैं, जो कि अभी इनसे मैं कुछ पूछूंगा। इनकी एक मूवी आ रही है, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं इनसे। जी, आपसे जानना चाहूंगा ये मूवी जो रात अकेली है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, बताने से बेहतरीन होगा कि लोग देखें, ठीक है। और बताना इसलिए भी लाजमी है कि लोग अवेयर हों, क्योंकि अगर ये फिल्म हॉल में रिलीज होती तो मुझे इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती और लोगों को बताना नहीं पड़ता कि क्या है फिल्म, कैसे है फिल्म, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है और डिजिटल सारे कुछ जो OTT प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो इस लिहाज से उन लोगों को यहाँ पे डिजिटल का उतना चलन नहीं है, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी कि भाई ये नेटफ्लिक्स ऐप है, नेटफ्लिक्स ऐप पर ये फिल्म उपलब्ध है। ये फिल्म ऐप है जो आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर मोबाइल पे अगर देखना है तो 199 रुपये का, दैट मीन्स 200 रुपये का रिचार्ज होगा और उस वो रिचार्ज करवाने के बाद आप नेटफ्लिक्स पे जो भी फिल्में उपलब्ध है वो आप देख सकते हैं, जिसमें मेन मेरे अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारी फिल्में वो आप देख सकते हैं। और अगर आपने रिचार्ज करवा लिया तो आप अपने शहर के अपने एक्टर की मूवी देखें। जो चार मुख्य फिल्में मेरी लाइफ की है, वो चारों फिल्में जो है वो नेटफ्लिक्स पे है। उसमें से जो है एक फिल्म है पान सिंह तोमर, जो मेरी लाइफ की पहली फिल्म है। दूसरी फिल्म जो है वो लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट है। और तीसरी फिल्म जो है, तीसरी मतलब वेब सीरीज है जो कि काफी मैंने पॉपुलर है, जामतारा, जानते ही हैं। और चौथी जो अभी आई है 31 जुलाई को रिलीज हुई है फिल्म, वो फिल्म है, फिल्म का नाम है रात अकेली है। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आपटे, तिग्मांशु गुलिया, स्वानंद किरकिरे, ये इस तरह के इंडस्ट्री के बहुत ही मजे हुए एक्टर्स उसमें हैं। तो आप लोग से इल्तिजा है, आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग देखें और अपने अपने शहर के एक्टर को मतलब सराहें, उनको उनका हौसला अफजाई करें। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो किस तरह का किरदार है आपका इस रात अकेली मूवी में? अच्छा जी, आपको आपको फिल्म का नाम सुनते साथ दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आता ही है कि एक थ्रिलर मूवी है, थ्रिलर एक्शन मूवी है, जिसमें मर्डर मिस्ट्री है। मर्डर मिस्ट्री में मर्डर होता है, तो फिल्म में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है करने वाला, एक होता है ढूंढने वाला। तो क्राइम किसने किया और कौन ढूंढ रहा है, तो ये दो पक्ष है। तो ऑब्वियसली क्राइम जो ढूंढ रहा है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है पुलिस की भूमिका में, पुलिस इंस्पेक्टर जटिल की भूमिका में, और जिसने क्राइम किया है वो आपके सामने खड़ा है। नाम है रवि शाह, भूमिका है केवल, नाम केवल है, ओनली। सो जब आप देखेंगे तब पता चलेगा ये हंसता मुस्कुराता हुआ केवल क्या कहर ढाता है, वो आपको देखने पर पता चलेगा। अगला सवाल मैं अब आपसे लूंगा, क्योंकि आप बिहार से हैं, खास करके पूर्णिया से हैं, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपका पूर्णिया से मुंबई तक का सफर कैसा रहा, क्या क्या स्ट्रगल हुआ, इन सब के बारे में बताएं। देखिए सर, क्या है, सफर अमूमन दो तरह का होता है। एक सफर होता है मजा मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए, पिकनिक मनाने जाते हैं दोस्तों के साथ, तो वो सफर जो है वो बड़ा ही और बहुत ही सुगम होता है, बहुत मजेदार होता है और उसमें ज्यादा टेंशन नहीं रहते, ज्यादा संघर्ष नहीं होता है। दूसरा सफर होता है जब हम माता जी के दर्शन करने जाते हैं या प्रभु के दर्शन करने जाते हैं। जितने भी माता और प्रभु हैं सब पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं, वो रास्ता बड़ा ही दुर्गम होता है। तो मेरे लिए जो मेरा क्राफ्ट है, मेरा आर्ट है, वो माता के दर्शन करने के बराबर है। तो उस रास्ते, वो रास्ता बहुत ही दुर्गम रास्ता है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप कि वो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही, उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव होगा ही,
तो बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। सिंपल सी बात है कि हमारा जो सेटअप है बिहार में, वो भी खासकर जो पूर्णिया जैसे छोटे से शहर में, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो मेंटेलिटी है, वो यही है कि बेटा पढ़ लिख के क्या करेगा, सबसे पहले तो या IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, PO बनेगा, नहीं तो लास्टली जो है अपने सरकारी जॉब में मास्टरी तो कर ही ले, तो लाइफ सेट है, जीवन सेट है, उसी को तवज्जो दिया जाता है सोसाइटी में। हम जैसे लोगों को जो या इस क्राफ्ट या आर्ट की फील्ड को यू नो ऑप्ट करना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए बड़ा ही दुरह होगा, उसको उस तरह का सपोर्ट, उस तरह का एक्सपोजर यहाँ पे है भी नहीं, उस तरह की व्यवस्था, तो उसको तोड़ना, उस वर्जनाओं को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है एक बच्चे के लिए जो सोचता है कि इस तरह के फील्ड में हम जाएं, अपने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो पहला विरोध तो उनका घर से ही शुरू हो जाता है कि माता पिता को कन्विंस करना कि मम्मी पापा हम जो हैं वो एक्टर होने चाहते हैं। एक्टर, एक्टर मतलब क्या, एक्टर कैसे, किधर, सकल सूरत देखा है, बाप के पास पैसा है, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। कभी किसी, कोई सोचता ही नहीं यहाँ पे किसी कि इस तरह के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन है जिसको ऑप्ट किया जा सकता है, नहीं। तो हमने तोड़ने की कोशिश की है जी, तोड़ते हुए एक नया आयाम, एक नया फलक खोलने की कोशिश की है, और मैं काफी हद तक कामयाब भी हूँ। तो मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा इसमें कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनके साथ में आपने काम किया, तो उनका कैसा बिहेवियर रहता था सेट पे, कैसे वो काम करते थे, मतलब आपको साथ देते थे, उनका कैसा रहता था? देखिए एक्चुअली नवाज साहब के साथ ये मेरा पहला काम नहीं है जी। नवाजुद्दीन साहब के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, पान सिंह तोमर में हम लोग साथ में थे, और उससे पहले भी मैं, दर्शकों को पता हो कि मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जो कि इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म स्कूल है, वहाँ से मैं पास आउट हूँ, तो वहाँ पे डिप्लोमा फिल्में बनती है, जो डायरेक्शन स्टूडेंट है वो डिप्लोमा फिल्म बनाते हैं, तो उसमें एक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्टर्स की रिक्वायरमेंट पे उस समय नवाज भाई मतलब बहुत ही चहेते एक्टर्स थे, लेकिन उनको उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, जैसे मैं चहेता एक्टर हूँ लेकिन उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था अभी कुछ दिनों पहले तक, तो वो सब उनको कास्ट किया जाता था, तो मैंने एक दो डिप्लोमा फिल्म भी उनके साथ की, और देन जब मैं प्रोफेशनली एक्सप्लोर करने के लिए मुंबई आया, तो मेरा प्रोफेशनल काम जो पहला काम है वो पान सिंह तोमर में हम लोग साथ में थे, तो इस लिहाज से मैं, मेरा और नवाज सर का जो केमिस्ट्री है वो एक सीनियर और एक फ्रेंडली काइंड ऑफ रिलेशनशिप था और है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनसे, उनके साथ काम करने में बहुत ही फ्रैंक है हम लोग, इससे पहले भी साथ में उठना बैठना रहा है, क्योंकि जो कमोबेश रास्ता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का रहा है इस मुकाम तक आने के लिए, वही कमोबेश रास्ता उस रास्ते पे मैं हूँ, तो जाहिर सी बात है कि एक सर्कल वाले उस तरह के फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाले मजे हुए कलाकार हैं। तो एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे पान सिंह तोमर, सुनने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल सुनाए। तुम्हारा खून पानी होगा दद्दा, कितक बरसे चलो रट्टो बाबू सिंह को, आज तुम नहीं तो हम ही जाते फैसला सुना। रात अकेली के कुछ डायलॉग्स देखिए, अगर आपने रात अकेली देखी होते तो आप इस तरह के सवाल मुझसे नहीं करते हैं। आप अगर देखेंगे रात अकेली में तो साइलेंस मेरा ऑरा ही इतना खतरनाक है कि उसमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, मेरा प्रेजेंस ही जो है रूह कपा देगा और ये रुआ खड़ा कर देगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप देखिए फिर सस्पेंस और थ्रिलर होने की वजह से आप उसको सस्पेंस में ही रखना चाहते हैं इस बात को? नहीं, इसके लिए आप देखें फिल्म देखना जरूरी है, आप लोगों से बोलो फिल्म देखना जरूरी है, सिर्फ ट्रेलर से आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत वेल क्राफ्टेड फिल्म है, तो आप सभी को देखनी चाहिए फिल्म, और घर में बैठे हुए तो भाई अच्छा खासा टाइम पास होगा, आप देखो। ये तो हो गई आपकी फिल्म की बात। अब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट अभी हुआ है कुछ दिन पहले, आपने सुना भी है और देखा भी होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उसने ये आप नहीं कह सकते कि आत्महत्या की हुई या हत्या हुई, आप ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, सो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, इट्स नॉट सुसाइड या मर्डर, तो ये जब तक फैसला आ नहीं जाता, जब तक सारा जांच क्लियर नहीं हो जाता। देखिए अभी तक के तो नियम जो दिखाया गया है उसके हिसाब से, तो
हाँ, तो फिर इतना हो हल्ला होना, क्या आपको लगता है ये सुसाइड है? देखिए सर, क्या है, ये तो वो सुशांत सिंह राजपूत जी को ही पता होगा उस रात, या तो जो वहाँ होगा या तो ऊपर वाला, ये तीन लोग ही जानता है। और पूरा बहस ही तो इसी बात की है ना, पूरा बहस ही तो इसी बात की है। अगर आपने कह दिया, मान लिया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो बात खत्म करो ना। अगर ऐसा होता तो बात खत्म होनी जानी चाहिए थी, लेकिन बात खत्म नहीं हो रही, दैट मीन्स कि कुछ बात है। तो कुछ बात है तो वो क्या बात है? वो मेरे माथहत तो है नहीं, वो माथहत है जो ज्यूरिडिक्शन में है, जो पुलिस में है, जिनका ये काम है वो कर रहे हैं। हमारा एक सिंपैथी है, हमारा एक अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि वो पूर्णिया से हैं थे। और मैं ये बात सही कह रहे हैं आप कि जो वो पूर्णिया से थे, आप भी पूर्णिया से हैं, और मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट होगी। आप क्या क्या आपकी मुलाकात हुई कभी उनके साथ? सबसे पहली बात है कि बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट के इमोशन को समझता हूँ, और आर्टिस्ट में भी एक्टर, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो जो अभी जो कोरोना का जो काल गुजर रहा है, वो बहुत ही डिप्रेसिंग काल गुजर रहा है। अगर ऐसे में लोग अपने आप को संभाल के नहीं रखे, क्योंकि हम लोगों का क्या है कि रोज लोगों से मिलना है, यू नो, एप्रिशिएशन सेट पे, काम काज में बिजी रहना, हम लोगों का लाइफ स्टाइल टोटली डिफरेंट है। सो वो चीजें अचानक से बंद हो जाना, और आप घर परिवार से दूर रहते हैं, तो एकाकी लाइफ जीते हैं, और ऐसे भी एकाकी हो गया, और तो ऐसे में अपने आप को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि टूटना नहीं चाहिए इंसान को, टूटना नहीं चाहिए, चाहे जो भी हुआ, या हत्या हुआ या आत्महत्या है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे काफी खेद है। और मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता है कि सुशांत, आप देखो ना, चेहरा सामने हंसता हुआ दिखेगा यार, मतलब कि आप कैसे बिलीव कर सकते, लग रहा है कि वो अभी कहीं है, यहाँ पे नहीं है, अगर आप मान लें तो। तो क्या आपको आपकी क्या कभी मुलाकात हुई है, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ था कभी? देखिए, मुझे खुद भी जो अभी एक साल एक डेढ़ साल पहले पता चला कि वो पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जबकि मैं पैदाइशी पूर्णिया वाला हूँ, मैं यहाँ काम करता रहा हूँ, थिएटर में काम करता रहूँ, यहाँ के जो थिएटर रंगकर्मी साहित्यकार जो भी हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कभी हम लोगों को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आप यहाँ से आपके हायर एजुकेशन के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, एडवांस स्टडी के लिए आप बाहर चले जाते हो, तो उस तरह से लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन मूल तो यही है, जड़ तो यही था। तो उस लिहाज से मेरी मुलाकात पर्सनल लेवल पे कभी हुई नहीं, और शायद मैं बड़ा ही इस मामले में बैड लक रहा मेरा कि मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं एक बार चाहता था कि एक बार मुलाकात हो, कुछ बातें हो, और हम लोग अपने भदेश में, अपने यहाँ के अंगिका में, मुस्लाम में उससे बातचीत करते, तो मजा आता। एक अफसोस आपके अंदर दिख रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसे बिहार पुलिस है, मुंबई की पुलिस है, तो मुंबई की आप बिहारी हैं, तो आप मुंबई पुलिस को कितना समझते हैं, मतलब कितना आपका वो भरोसा जीत पाती है या नहीं जीत पाती है, बताइए, काम कर रही है सही? देखिए सर, एक मेरा है जन्मभूमि, एक है कर्मभूमि, मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। पुलिस कहीं की भी हो, प्रशासन कहीं की हो, न्याय सर्वोपरि है, वो मिलना चाहिए। ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, इंटरनल कवायद है, इन सबसे परे किसी व्यक्ति और कोई परिवार हताहत है, आहत है, सदमे में है, दुख में है, उससे जुड़े हुए फैंस जो हैं, उससे जुड़े हुए लोग सदमे में हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए, मेरा फाइनली यही है। और इसके लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और उनको न्याय दिलवाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए इस मुद्दे पर, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमेशा से बिहारियों को दबाया गया है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, वो जो है दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में, या अन्य कहीं किसी भी शहरों में उनको सप्रेस किया गया, उसको हाशिए पे रखा गया है। सो ये चीज़ सालता है, ये चीज़ कभी कभी बहुत ही दुखद है, इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको मेन स्ट्रीम में घुसने नहीं दिया जाता है। बहुत आप अभिमन्यु की तरह लड़ रहे होते हैं, चारों तरफ से आपको घेरे रहते हैं लोग, अगर आप एक भी वार चुके तो आपको छल से मार दिया जाए। जी, मैं अब आपसे एक अगला सवाल लेना चाहूंगा आपकी फिल्म जगत के बारे में। ये सवाल है कि जो अब आने वाले समय में और कौन कौन सी आपकी मूवी ब्लॉकबस्टर पे आ रही है, कौन कौन सी मूवी आगे? देखिए, उसमें से जो मेन फिल्में हैं
सिर्फ तीन फिल्मों का मैं नाम लेना चाहूंगा जो मेरे करियर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फिल्में हैं भी बहुत अच्छी। उसमें से एक फिल्म है स्प्रिंग थंडर। स्प्रिंग थंडर बहुत ही मतलब समसामयिक फिल्म है और उस तरह की फिल्मों की ज़रूरत है अभी। ये फिल्म है माइनिंग माफिया, मैंने खास करके यूरेनियम माइनिंग माफिया, झारखंड बैकड्रॉप है, यूरेनियम माइनिंग माफिया वर्सेस ट्राइबल रिहैबिलिटेशन एंड लैंड एक्विजिशन पे, भूमि अधिग्रहण का मामला है, जल जंगल जमीन को लूट लेने की कवायद है और वहाँ के जो मूल निवासी है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की कवायद है। तो इसके तो जनजाति और जो ये माफिया है उन दोनों के बीच के स्ट्रगल की कहानी है जिसमें मैं केंद्रीय भूमिका में हूँ और मैं जो ट्राइबल्स हैं जनजाति है वहाँ के उनका फरमाबरदार हूँ, उनका परचम धारक हूँ, उनका लीडर हूँ, उनका हीरो हूँ और ये लड़ाई मैं आखिरी दम तक लड़ता हूँ। ये आज के दौर की बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है आज के सिचुएशन को देखते हुए। दूसरी फिल्म है मूसो जो कि बहुत ही कलात्मक फिल्म है और बड़ी ही आर्टिस्टिक फिल्म है जिसमें यशपाल शर्मा है और ये अपने अनुपम श्याम जी हैं, विजयंत काला जी हैं, इस तरीके के वेटरन एक्टर्स हैं, मैं भी हूँ। प्रसन्नजीत दा मतलब मुंबई दा जो कि टॉलीवुड के अमिताभ माने जाते हैं वो हैं, नीरज कभी साहब हैं, मैं हूँ और ये फिल्म बेस्ड है वॉर पे बेस्ड है जिसमें कि उसका कल्मिनेशन यही है कि वॉर जो है किसी के लिए मुफीद नहीं है, वॉर से हमेशा नुकसान ही होता है, उधर भी इंसान है इधर भी इंसान है, मरता तो इंसान ही है, तो युद्ध किसी चीज़ का मसला नहीं है, इसी मोटो पे पूरी फिल्म है। तो आपसे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, बड़ा ही मेरे मन में एक उत्सुकता है कि फिल्म में लोग जाते हैं पॉजिटिव रोल यानी हीरो बनने के लिए, आप विलेन बनने के लिए गए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा। देखिए ये मैं किसी भी कैरेक्टर को ना नेगेटिव फॉर्म में देखता ना पॉजिटिव फॉर्म में देखता हूँ। अगर कचरा है तो सफाई का ज्ञान होता है, ठीक है, दैट मीन्स दोनों में से कोई कमतर नहीं है। अगर विलेन नहीं है तो हीरो क्या करेगा। विलेन और हीरो किसी भी फिल्म में पैरेलली चल रहे होते हैं, बस एंड में जाकर के हीरो 20 हो जाता है, विलेन एक नीचे रह जाता है। नहीं तो अगर कायदे से देखा जाए तो दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट हीरो विदाउट विलेन हीरो क्या करेगा, कैसे हीरो बनेगा, अपना हीरोइक एक्टिविटीज कैसे वो दिखाएगा। और दूसरी बात, जहां एज एन एक्टर की बात हुई, मैं इसको दोनों में डिफ्रेंशिएट करता ही नहीं क्योंकि मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर कैरेक्टर है, कोई वर्क वर्क है, सो मैं उसको एज एन आर्टिस्ट देखता हूँ एज एन। और तीसरी बात यह है कि चीजें मेरे हाथ में नहीं होती, मैं वहां पे चूज नहीं कर सकता। अब भी जिस स्टेज पे हूं तो मैं तो चूज कर ही नहीं सकता, जो मुझे ऑफर आएगा उसी में से मुझे सिलेक्ट करना होता है। तो अगर इस तरह के रोल्स हैं और उसमें से मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और उसके अलावा भी जो बात है, आप कह रहे हैं कि मैंने हमेशा नेगेटिव रोल ही किया है, तो आप लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना ही मतलब कितना निरीह प्राणी की तरह, आप जिसको यहाँ पे मटन काटते हुए देखे हैं वहाँ पे उस बेचारे को जो है वो कुदाल चलाते हुए और रोजमर्रा का खेती करते हुए देखेंगे, बहुत ही दबा कुचला निराश सा बंदा, दबाया हुआ बंदा, वो बहुत ऐसा आपको मिलेगा। अब मैं एक अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि सवाल ये है कि जो इरफान खान जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, अभी सुनने में आया है कि जो हम लोग जानते भी हैं कि जो वो आप उनको गुरु मानते थे, तो ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी लाइफ में उनका कितना बड़ा रोल रहा, कैसे आपने इसको देखा है अब तक में, मतलब ये इरफान सर का मैं कभी कभी बिलीव नहीं कर पाता हूँ कि यू नो जिस लोगों से मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहा, जिस लोगों को मैं प्रेज करता रहा अपने लाइफ में, लिटरली इरफान साहब मेरे पहले प्रैक्टिकल गुरु जो है ना, इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल गुरु हैं, मैं थे नहीं बोलूँगा, मैं अभी भी मानता हूँ वो यही कहीं हैं, अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। और जो कुछ भी मैं अभी रियलिज्म जो बोलते हैं कि अरे रवि भाई, रवि सर आपका परफॉर्मेंस, आपका अप्रोच, कैरेक्टर इतना रियलिज्म करते हो, रियलिस्टिक है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी देन है, वहाँ से उनके उनसे सीखा है मैंने। जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो वहाँ तो थ्योरेटिकल और उस तरह के एक इंस्टीट्यूट में चीज़ें सीखी, एक यू नो ये स्विमिंग पूल पे स्विमिंग सीखने वाली बात है, लेकिन कट टू जब समंदर में तैरने जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैं जैसे ही प्रोफेशनल फील्ड में एज एन एक्टर उतरा और मेरी पहली फिल्म पान सिंह तोमर थी,
तो मेरे तो हाथ पांव फुले हुए थे कि भाई जो वहाँ कुछ सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल तौर पे होगा कैसे। तो ऐसे में इरफान सर ने काफ़ी सहयोग दिया, जैसे ही उनको पता चला कि पढ़ा लिखा और इंस्टीट्यूट से पास आउट बंदा है, तो मेरी बातचीत हुई जब भी मौका मिलता था, जब भी हम लोग लीजर पीरियड में होते थे हम लोग, तो हम लोग बैठ के बात करते थे। तो उनसे बातचीत के क्रम में मैंने उनकी एक बात को गांठ बांध ली। वो बोले मैं बोला कि दादा यार बताओ कि ये जो इतनी सहजता है, वो सहजता आप लाते कहाँ से हो, कैसे लगता है कि एकदम पानी की तरह एकदम ईजिली कर देते हो और कोई भी बंदा इसमें आ जाता है कि इस इंप्रेशन में आ जाता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसके पीछे का मामला क्या हुआ बताओ। तो बोले कि फिरे हुए पानी पे बत्तख आई मीन डक को तैरते हुए देखते। बोला हाँ देखा है, कितना स्मूथली स्विफ्टली जो है वो तैरता है। हाँ, लेकिन कभी तुमने गौर किया है कि उस पानी के नीचे उसका जो पाँव है वो कितनी तेजी से चलता है। दादा नहीं, मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया है। बोला बस यही एक एक्टर का अप्रोच अपने काम के प्रति, एक्टिंग के प्रति यही होना चाहिए कि वो जब करे परफॉर्म करे तो लगना चाहिए कि बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही सहज तरीके, बहुत ही आसान तरीके से उसको कर गया, लेकिन उस करने के पीछे जो मैकेनिज्म है, आपका टूल्स जो है, वो कितना तेजी से आपके अंदर चल रहा है, उसका कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रांगली चल रहा है आपके अंदर, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब आप कर रहे हो जा रहा है, आप कर नहीं रहे, तो इतना एफर्टलेस आपको करना पड़ेगा मामला, और उसके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ है नहीं भाई। मतलब अब मैं एक अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लूंगा कि युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, वो आगे अपना करियर अगर फिल्म जगत में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको कि वो डिप्रेशन में ना जाएं, वो इन सब के बारे में आप कुछ उनको सलाह दें। देखिए आज के युवा तो खुद अभी बहुत बहुत एडवांस हैं, बहुत एडवांस हैं, और उन लोगों की कलाकारी मैं टिकटॉक पे देखता रहता हूँ और यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। वो लोग यूट्यूबर स्टार हैं यहाँ पूर्णिया में रहते हुए या छोटे से मतलब इस एरिया में रहते हुए या टिकटॉक, अब उनके करियर पे पानी फिर गया, टिकटॉक बंद कर दिया, तो अब जो है वो सही मायने में अब उनका प्रोग्रेशन शुरू होगा। तो थिंग्स अपार्ट, मेरा क्या कहना है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। सबसे दुविधा की स्थिति होती है जब आप 10+2 या इस तरह के इंटरवेंटर करते हो, उस समय दुविधा की स्थिति, तो क्या करूं? अगर चार दोस्त ये कर रहे हैं तो आपको लगता है ये अच्छा है, फिर चार लोग बोलेंगे ये चीज़, तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन कभी आप अपने आप से बात करो, अपने दिल को टटोलो, अपने आप को जानो, उससे पूछो कि वो क्या चाहता है, वो जो चाहता है वही करो, ताकि डेथ बेड पे आप कभी रिग्रेट ना करो कि मैंने लाइफ में वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 3 इडियट्स। वो बच्चा, वो तीन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो है वो बनना चाह रहा था क्या, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो उसी तरह यहाँ पे कमोबेश जो 3 इडियट्स वाला वो जो सेटअप है ना, वही सेटअप हमारे सोसाइटी में बहुत ही, मैंने कैसे इसको तोड़ा है मुझे ही पता है। कल तक लोग पूछते नहीं थे क्या करता है, ये एक्टिंग करती है, एक्टिंग चेहरा देखा है, एक्टिंग करेगा बने, ठीक है हाँ, ऐसे थोड़ी हीरो बन जाता है ऐसे। अब ये अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा कि जाते जाते आप एक ऐसा डायलॉग हमें सुना दें कि जो दर्शक भी सुने तो याद रखें कि जो हाँ कि रवि भूषण जी ने कुछ सुना के भेजा था इस कार्यक्रम में। जैसे कि मेरा मानना है, एक तो पैसे लगेंगे पहले बता रहा हूँ, दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि मेरे लिए हमेशा से लाइफ में डायलॉग सेकेंडरी रहा, मैं डायलॉग को कोई प्रायोरिटी नहीं। वो डायलॉगबाजी का जमाना था जब राजकुमार और जानी होता था, अभी बहुत ही रियलिज्म एक्टिंग का फॉर्मेट बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया। जब वहाँ पे जो साई और ये वो जो प्राण साहब और इधर से डैनी साहब, इस तरह का कुछ मेरा जॉनरा भी जो है वो रियलिज्म वाला है, तो उस तरह से कोई जो है ना जिसके घर शीशे के होते हैं ऐसा वाला कोई डायलॉग वायलॉग जो है अब ना लिखा जाता है ना बोला जाता है, और मैं अगर खुद कन्विंस नहीं उस तरह के डायलॉग्स को लेकर के तो मैं तो अटल करूँगा ही नहीं, ठीक है। एक डायलॉग मैं शुरू में सुना चुका हूँ, उसी से काम चला ये ऑडियंस, ठीक है। फिर भी एक बार और सही, तुम्हारो खून पानी होगा दद्दा के तक बरस से चलो रखो बाबू सिंह को, तुम नहीं तो हम ही जाके जवाब दे आते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ में रवि जी थे, इन्होंने काफी कुछ बताया अपने करियर के बारे में और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में,
इन सब चीजों में एक चीज दिखने को मिला कि जो कितने मोटिवेटेड दिख रहे थे ये, और कितने जुझारू और इतने अच्छे मजे हुए कलाकार हमारे पूर्णिया से हैं, और इस पूर्णिया में इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, हमारे युवाओं को बहुत कुछ बताया, और इन सब चीज़ों में ये तो देख लिया हम लोगों ने कि आप जरूर इनकी मूवी देखने जरूर जाएं। रात अकेली है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप जरूर देखें। थैंक यू।